जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा ने राजनांदगांव के राजीव भवन में प्रेस वार्ता ली और भाजपा पर एवं भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। जब राहुल जी गए, लोगों से मिले, विभिन्न विभिन्न लोगों से मिले, अलग अलग धर्म जाति हर महिला युवा सबसे मिले, तो जो उनकी समस्याएं थी उनको हमने अपने न्याय पत्र में लाने का काम किया। हम भी चाहते, हम भी अपने नेता की बहुत सारी फोटो लगाते थे, लेकिन हमने फोटो एल्बम पे चर्चा नहीं कर ली ना, हमने काम की बात कर ली। बार बार देखिए, 10 साल से हम देखते आ रहे हैं उनका संकल्प पत्र आता है जो कभी भी कागज से धरातल पे नहीं उतरा, लेकिन हम हमेशा काम की बात करते हैं। और जब मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो फर्क है उनके और हमारे। मोदी जी ने काम की, रोजगार की कोई बात नहीं, हम सब जान करेंगे और अपने युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिससे उनको अपनी पहली तनख्वाह मिलेगी। अगर युवा 25 साल की उम्र से कम है और उसने डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन करी हुई है, तो साल का 1 लाख रुपया, 8 हजार रुपया कुछ महीने का हुआ तो पहली तनख्वाह मिलेगी। आपके बच्चे सबसे पहले अपनी कमाई लेकर आएंगे, तो आगे ताकि बढ़ सके, वो पढ़ाई आगे करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज का युवा सशक्त बने। हम उनको ये नहीं कह रहे कि रोजगार के लिए पकौड़े तलना गया, MBA करिए, BEd करिए, डॉक्टर बनिए, उसके बाद आप चाय की दुकान लगाइए, आप पान की दुकान लगाइए और पकौड़े तली, क्योंकि पकौड़ा भी रोजगार है मोदी जी के हिसाब से। वो नहीं चाहते कि पढ़ा लिखा बच्चा अपना ही जो MBA करके आया है वो कोई बिजनेस कर सके, नहीं, वो नहीं चाहते। इसीलिए मैनिफेस्टो में, उनके संकल्प पत्र में नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर एक शब्द नहीं, जो बकाया है वादा की भी उसके ऊपर भी शब्द नहीं है। फिर हम ये भी वादा करते हैं महिलाओं को लेकर, आप देखिएगा उनके मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर क्या बात, कैसे करें, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, जब उन बेटियों ने हक मांगा, जो हमारी खिलाड़ी है, जो हमारे लिए इतने विश्व में जा जाके मेडल जीत के लाए, हमारे लिए गौरव की बात थी, और वही खिलाड़ी जिनको मोदी जी कहते थे तुम मेरा परिवार हो, जब उन्होंने न्याय मांगा किसके खिलाफ, ब्रिज भूषण जो उनका खुद का MP है, और कहा कि ये यौन शोषण करता है, तो जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था हमारी उन बेटियों पे लाठियां चली। एक हरियाणा का भी आपको उदाहरण देखिए, संदीप नाम के उनके मंत्री है, वहां की हॉकी कोच ने कंप्लेन करी कि यौन शोषण की, वो आज भी मंत्री बना हुआ है, लेकिन उस हॉकी कोच के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई। तो बेटियों को तो हमें लगातार भारतीय जनता पार्टी से बचाना पा रहा है, इसलिए महिलाओं के लिए कोई बात नहीं करेगा। और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, एक गारंटी मोदी जी 3 महीने पहले देकर आए थे अपनी चाइनीज गारंटी, और कहा था कि हम महकाली बंधन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे। आज 3 महीने हो चुके हैं, सिर्फ 30% महिलाओं को महकाली बंधन योजना का लाभ मिला है, 70% महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं, उनको पहली पुष्टि मिली। लेकिन जब शाह साहब राजनांदगांव आए, जब मोदी जी बस्तर आए, तो बोल के जी हमने तो महकाली बंधन योजना दी थी, पर आप भी जानते हैं आंकड़े यही है कि 70% महिलाओं को पहली किश्त मिली। लेकिन हम अपनी महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएंगे, मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन ये नहीं बात करते कि आत्मनिर्भर हमारे महिलाएं कैसे बनेंगी। कांग्रेस अपने न्याय पत्र में ये वादा करती है कि हम अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसलिए हर महिला को साल में 1 लाख रुपया देने का वादा, ताकि वो अपना काम कर सके, उसको किसी के ऊपर भी निर्भर ना होना पड़े, और वो घर चलाने में भी सबकी मदद कर सके। क्यों महिला बराबर की बात ना, जब हम आधी आबादी है, आधा हक हमारे जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम उनको वो हक देने का काम करें। और साथ ही साथ जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम करें, ये भी उस आरक्षण में से एक है जो मोदी जी संविधान हटा के उठाने का काम, ये नहीं चाहते कि महिलाओं को रोजगार मिले, ये नहीं चाहते कि महिलाएं जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या करें, और लोग डर के जा रहे हैं, DDCBI के डर से जा रहे हैं, जब जब मोदी डरते हैं DDCBI को आगे करते हैं, तो जो लोग ये तो आप जानते हैं, लोगों को डराया जाता है और एक ही विकल्प दिया जाता है, क्योंकि आपको इतना बदनाम कर देंगे, आपने चाहे कुछ नहीं किया हो, आपको डराएंगे बदनाम करेंगे, रहना तो सबने इसी सभ्य समाज में, आप ज्वाइन कर रहे तो आप पाक साफ हो जाएंगे। 26 लोगों की लिस्ट आप देखेंगे जो सबसे भ्रष्ट बताए गए थे कि पूरे देश में सबसे भ्रष्ट है, अगर वो नेता हो और उद्योगपति हो, अगर उन्होंने चंदा भी दिया, उनको धंधा मिल गया, और वो उसमें से 23 लोग पाक साफ हो चुके हैं, उसमें से नेता भी है छगन भुजबल, अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्य
मुख्यमंत्री बन गए, वही मोदी जी जिन्होंने कहा था मैं अकेला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग होती है, अगले दिन मोदी जी मीटिंग बुलाते हैं 40 ऐसी पार्टियों की जिसमें से आधी से ज्यादा कहते जी कोई पहचान ही नहीं है, एक सांसद एक विधायक नहीं है। और उसमें एक फोटो हमें देखने को मिली मोदी जी और शाह साहब के बीच में, कौन थे? अजीत पवार, जिनको उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री कहते थे दो दिन पहले, चक्की पीसे पीसे, आपको पता नहीं सात चक्की बना के क्या पीस रहे हैं पता नहीं। तो डरा धमका के लेकर जा रहे हैं और पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो डर रहे हैं, जो डर रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो डरते हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी में वही लोग रहेंगे जो जनता की सेवा कर सकते हैं। मैडम ये बताइए, मैडम जी न्यूज से किशोर जी, एक अभी कांकेर में एनकाउंटर हुआ है 36 नक्सली मारे, नितेश मुनिया जी ने एक एनकाउंटर, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ होगा तो अभी कौन होगा जी? उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। और इसी में आगे देखिए, कांकेर और बस्तर की जो हालत है सबसे आप लोग अनजान होंगे, किस तरीके से जब कांग्रेस की पहले सरकार थी तो नक्सलवाद से महज 3 ब्लॉक तक थी, 10-15 साल की रमन सिंह की सरकार में वो 11 जिलों तक पहुंच गया, जिसमें उनका खुद का राजनांदगांव भी नहीं बचा था, आप सभी भली भांति जानते हैं। और हमारी सरकार ने किस तरीके से नक्सलवाद खत्म करने का काम किया था, हमने वापस स्कूल खोलने का काम किया था, जो रमन सिंह ने सारे बस्तर में बंद करने का काम किया था, हमने बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाने का काम किया, उसमें मेहनत करी, एनीमिया मुक्त लगाने का काम किया, जिसमें रमन सिंह ने बर्बाद करने का काम किया था। अब आती है बात, हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से बस्तर में बार बार लगातार आम आदिवासी को, जनता को वहाँ पे गिरफ्तार कर दिया जाता था, झूठे केस लगा के, और कहा जाता था